थ्योरम अभी इसके बाद में। थ्योरम नंबर वन है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर्स एम एंड एन सच दैट एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहां पे अपने दो पार्ट में प्रूव करना है। पहले पार्ट में देंगे कि वेक्टर्स कोलिनियर है और प्रूव करना है कंडीशन एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। सेकंड पार्ट में एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर ये गिवन कंडीशन हो गई और प्रूव करना है वेक्टर्स आर कोलिनियर। यहां पे डेफिनेशन यूज करेंगे कोलिनियर के। यदि दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में रहता। तो राइट डन प्रूफ में लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी कोलिनियर। दो वेक्टर्स है कोलिनियर एंड देयरफॉर there exist a non-zero scalar p such that non-zero का मतलब t not equal to zero, t zero नहीं है, non-zero scalar t such that vector a equal to p vector b or vector a minus p vector b इक्वल टू जीरो वेक्टर। वेक्टर ए मीन्स वन वेक्टर है वन इंटू वेक्टर है प्लस माइनस टी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। वेक्टर ए का कोएफिशिएंट वन है वन इक्वल टू रखा है एम। वेक्टर बी का कोएफिशिएंट माइनस टी इक्वल टू एन। तो टेकिंग वन इक्वल टू एम and minus t equal to n we get m vector a plus n vector b equal to 0 vector where यहाँ पर n की वैल्यू है 1, 1 कभी 0 नहीं रहता यानी n नॉन जीरो है। n की वैल्यू है माइनस टी, टी नॉन जीरो के अंदर है, टी नॉन जीरो है तो माइनस टी भी नॉन जीरो रहेगा यानी m और n दोनों नॉन जीरो के अंदर से where m and n are non-zero scalars। तो ये फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में लेना है कि सपोज देयर एग्जिस्ट नॉन-जीरो स्केलर्स m and n such that m vector a plus n vector b equal to 0 vector। अब प्रूव करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। सपोज देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर्स m एंड n such that m vector a plus n vector b equal to 0 vector, m vector a equal to minus n vector b, m से डिवाइड करेंगे, vector a equal to minus n by m into vector b, vector a equal to t vector b that t equal to minus n by m and m not equal to 0 here yeah, we will accept this since m is not equal to 0 m not equal to 0 n b not equal to 0 so vector a equal to t vector b t non zero scalar ho gaya and therefore vector a is स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी एंड फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर।
होगा कुछ। नोट नंबर वन, हम अपन ने लिए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है, तो एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। वेक्टर ए वेक्टर बी आर कोलिनियर, इफ वेक्टर एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहाँ पे दोनों नॉन कोलिनियर है और ये कंडीशन है, तो इसका मतलब एम और एन दोनों जीरो रहते, दोनों स्केलर रहेंगे जीरो। If vector A and vector B are non-collinear vectors, and A vector A plus and vector B equal to zero vector, then m equal to 0 and n equal to 0। दूसरा पार्ट आता है इसमें कि वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इक्वल टू s वेक्टर a प्लस p वेक्टर b, then m equal to s n equal to t, m और s दोनों इक्वल रहेंगे, n और t दोनों इक्वल रहेंगे, इसका यूज करते हुए सेकंड नंबर, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू S vector A plus P vector B, then M equal to S and N equal to T, M, N, S, T are scalars। Okay, अपने collinear vectors की definition देते हैं। Collinear vectors means vectors along the same line और अलोंग द पैरेलल लाइंस, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे कोप्लेनर की डेफिनेशन है, कोप्लेनर वेक्टर्स मींस वेक्टर्स इन द सेम प्लेन और इन द पैरेलल प्लेन। जैसे बोर्ड का एक प्लेन हो गया, एक प्लेन में दो तीन वेक्टर्स है, तो दोनों तीनों वेक्टर्स हो गए कोप्लेनर। बोर्ड को पैरेलल और एक प्लेन देते हैं, बोर्ड में दो वेक्टर्स, बोर्ड के प्लेन पे दो वेक्टर्स है और पैरेलल प्लेन पे दो वेक्टर्स है, टोटल फोर वेक्टर्स हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। एंड वेक्टर्स इन द सेम प्लेन और इन द पैरेलल प्लेन, राइट डाउन, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और इन द पैरेलल प्लेन्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके बाद में थ्योरम नंबर टू, सेकंड थ्योरम है दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स है नॉन कोलिनियर। थर्ड वेक्टर है वेक्टर आर, इट इज कोप्लेनर विथ वेक्टर एंड वेक्टर बी, यानी तीनों वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोप्लेनर हो गए। कोप्लेनर के लिए कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स t1 एंड t2। यूनिक का मतलब ये दोनों स्केलर फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं कर सकते कि वेक्टर t1 t2 की जगह m और n डिफरेंट नहीं दे सकते। t1 और t2 दोनों यूनिक स्केलर्स है, कंडीशन वेक्टर r इक्वल टू t1 वेक्टर a प्लस t2 वेक्टर b। एक वेक्टर ओ ए इक्वल टू लेना वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी क्योंकि वेक्टर बी, दोनों वेक्टर हो गए नॉन कोलिनियर। थर्ड वेक्टर ओ आर इक्वल टू लेंगे वेक्टर आर,
एनी वेक्टर इन द सेम प्लेन, आर में से पैरेलल देंगे ओए को, आर में से ओबी को पैरेलल, ओबी को पैरेलल है ओ एम, ओए को पैरेलल है ओ आर एन, आर एम पैरेलल टू ओ बी, आर एन पैरेलल टू ओ ए, दैट मीन्स पैरेललोग्राम ओ एम आर एन कंप्लीटेड। इसमें देखेंगे लेट वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी, बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड वेक्टर ओ आर इक्वल टू वेक्टर आर, बी ए वेक्टर ओ प्लेनर विथ वेक्टर एंड वेक्टर बी। थ्रू पॉइंट आर ड्रॉ आर एन एंड आर एम, पैरेलल टू ओ ए एंड ओ बी, नाउ वेक्टर ओ एम एंड वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ एम और वेक्टर ओ ए दोनों वेक्टर ए की लाइन पे है कोलिनियर, वेक्टर ओ एम एंड वेक्टर ओ ए आर कोलिनियर। कोलिनियर की डेफिनेशन है स्केलर मल्टीपल, वेक्टर ओ एम इक्वल टू टी वन वेक्टर ए या टी वन वेक्टर ओ ए लिखेंगे पहले, टी वन वेक्टर ओ ए T1 is scalar and for vector OM equal to T1 vector A, vector OM is vector A, similarly vector ON and vector B, vector ON or vector B दोनों के collinear, and for vector ON equal to T2 vector, vector B के जगह लिखेंगे यहाँ पे vector OB, तो T2 vector OB, where T2 is a scalar, और vector ON equal to T2, vector OB means vector B. And for vector R means vector OR, by parallelogram law, vector OR equal to vector OM plus vector ON, vector OM plus vector ON, since by parallelogram law, vector OM is T1 vector A, vector ON is T2 vector B, and therefore vector R equal to T1 vector A plus T2 vector B. अब if and only if है ना, इसका converse लेना है। Conversely, suppose vector R equal to T1
वन वेक्टर है प्लस टी टू वेक्टर बी, प्रूव करना है कि वेक्टर्स आर कोप्लैनर वेक्टर्स। तो वेक्टर ए वेक्टर बी आर कोप्लैनर, दोनों वेक्टर्स यहाँ पे नॉन कोलिनियर है, दोनों वेक्टर्स है नॉन कोलिनियर, लेकिन दोनों वेक्टर ए की प्लेन में है एंड देयरफॉर दे आर कोप्लैनर, एंड देयरफॉर टी वन वेक्टर ए प्लस टी टू वेक्टर बी इज कोप्लैनर। वेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी टी वन वेक्टर ए प्लस टी टू वेक्टर बी आर कोप्लैनर, टी वन वेक्टर ए प्लस टी टू वेक्टर बी वेक्टर आर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर आर को लीनियर। यहाँ पे अपन एक देखा था ना पहले प्रीवियस थ्योरम में कि वेक्टर यदि कोप्लैनर है तो दोनों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर आल्सो कोप्लैनर, वेक्टर ए वेक्टर बी कोप्लैनर है इनके स्केलर मल्टीपल टी वन वेक्टर है और टी टू वेक्टर बी दोनों कोप्लैनर हो गए, देयर एडिशन इज आल्सो कोप्लैनर वेक्टर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड देयरफॉर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लैनर, T1 वेक्टर A प्लस T2 वेक्टर B वेक्टर R है, तो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर R आर कोप्लैनर, कोलिनियर नहीं कोप्लैनर। यूनिकनेस, यूनिकनेस पे प्रूव करें ये स्केलर्स यूनिक है। राइट लेट वेक्टर आर इक्वल टू टी वन वेक्टर ए प्लस टी टू वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर वन कैन बी रिटन एज वेक्टर आर इक्वल टू एस वन वेक्टर ए प्लस एस टू वेक्टर बी, इक्वेशन वन माइनस टू सबट्रैक्ट कर दें, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो वेक्टर, टी वन वेक्टर है माइनस एस वन वेक्टर है, टी वन माइनस एस वन इंटू वेक्टर ए प्लस टी टू वेक्टर बी माइनस एस टू वेक्टर बी, टी टू माइनस एस टू इंटू वेक्टर बी एंड देयरफॉर टी वन माइनस एस वन इंटू वेक्टर ए प्लस टी टू माइनस एस टू इंटू वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। थ्योरम नंबर वन है, नोट नंबर वन है कि इफ एन वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर देन एम इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, T1 minus S1 into vector A plus T2 minus S2 into vector B equal to 0 vector and therefore T1 minus S1 equal to 0 and T2 minus S2 equal to 0 or T1 equal to S1 and T2 equal to S2 and scalar change भी करते हैं अपन तो दोनों equal रहते हैं and therefore वेक्टर आर इक्वल टू टी वन वेक्टर ए प्लस टी टू वेक्टर बी इज यूनिक। प्रूफ में यूनिक केस भी लिखना पड़ता है यूनिक वर्ड के लिए।